आज का हमारा व्याख्यान है भारतीय नगरों में वर्ग व्यवस्था। भारत में औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं उदारीकरण आदि से नगरों में नवीन वर्ग व्यवस्था का उदय हुआ है। नगरों में प्रमुख रूप से तीन वर्ग पाए जाते हैं। प्रथम है उच्च वर्ग। देश के विभिन्न उद्योगों, कारखानों, मिलों एवं खनिजों के मालिक पूंजीपति वर्ग के लोग उच्च वर्ग में आते हैं। ये वर्ग देश के आर्थिक प्रशासनिक नीतियों को प्रभावित करता है। सत्ता तंत्र से जुड़े उच्च प्रशासनिक वर्ग भी उच्च वर्ग में ही आते हैं। दूसरा है मध्यम वर्ग। इस वर्ग में छोटे व्यापारी, किसान, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर आदि सम्मिलित हैं। ये वर्ग अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। तीसरा है श्रमिक वर्ग। इसमें मजदूर, श्रमिक, नौकर आदि सम्मिलित हैं। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। ये लोग निरक्षर होते हैं। पूंजीपति, भूस्वामी इनका शोषण करते हैं। शहर की गंदी बस्तियों में ये निवास करते हैं। तो इस प्रकार हमने भारत के गांवों में और भारत के नगरों में वर्ग व्यवस्था का अध्ययन किया। अब हम अध्ययन करते हैं सामान्य रूप से भारत में वर्गों के प्रकार। भारत में विभिन्न जातियों, धर्मों एवं संप्रदायों के लोग निवास करते हैं। इन लोगों में शिक्षा, व्यवसाय एवं आर्थिक स्तर आदि को लेकर भिन्नताएं पाई जाती है। यदि हम भारत में ग्रामीण एवं शहरी वर्ग व्यवस्था से हटकर अन्य आधारों पर वर्ग व्यवस्था का अध्ययन करें तो भारत में ये वर्ग विद्यमान है। प्रथम उच्च तथा पूंजीपति वर्ग, दूसरा है श्रमिक अथवा मजदूर वर्ग, तीसरा व्यापारी वर्ग, चौथा कृषक वर्ग, पांचवा शासक वर्ग, छठा प्रशासक अथवा नौकरशाही वर्ग और सातवां बुद्धिजीवी वर्ग। तो ये वर्ग भारत में सामान्यतः पाए जाते हैं। अब हम अध्ययन करते हैं भारत में गरीबी। भारत में गरीबी की परिभाषा पौष्टिक आहार के आधार पर की जाती है। प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समूह ने गरीबी रेखा को मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर परिभाषित किया। रंगराजन की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समूह के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी का अनुपात 29.5% था, जबकि तेंदुलकर समिति के अनुसार ये अनुपात 21.9% था। जब किसी देश में विकास होता है तो उस देश में गरीबी धीरे धीरे कम होने लगती है, प्रति व्यक्ति उत्पादन बढ़ने लगता है, राष्ट्रीय आय बढ़ने लगती है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ने लगती है। भारत में सकल राष्ट्रीय आय का बराबर विकास हो रहा है, परंतु भारत में विकास के बावजूद विषमता की समस्या बनी हुई है और गरीबों को विकास का समुचित लाभ नहीं मिल पाता है। अब हम बात कर रहे हैं भारत में गरीबी के कारण। भारत में गरीबी के अनेक कारण हैं जो इस प्रकार है। पहला कारण है आर्थिक कारण। भारत में गरीबी का मुख्य कारण अल्प विकसित होना है, और अल्प विकसित होना है इसका तात्पर्य है कि भारत में अभी तक खनिज शक्ति, पानी व जंगल आदि का उपयोग नहीं कर पाए हैं या बहुत कम मात्रा में उपयोग किया है। दूसरा है हमारी कृषि आज भी पुरानी तकनीक पर आधारित है। तीसरा, हमारे खेत छोटे व बिखरे हुए हैं। रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग कम होता है। चौथा, हमारे उद्योग कम उन्नत है। पांचवा, कच्चे माल का अभाव है। छठा, शक्ति की पूर्ति अनियमित है। सातवां, साहसियों की कमी है। आठवां, श्रमिक अशांति है। नौवां, वित्त प्रदान करने वाले साधन कम है। और दसवां, जनसंख्या का अधिक होना व उसमें वृद्धि होना भी गरीबी का महत्वपूर्ण कारण है। तो ये भारत में गरीबी के आर्थिक कारण है। दूसरा है
सामाजिक कारण, जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली, उत्तराधिकार नियम, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि भी गरीबी बनाए रखने में योगदान दे रहे हैं। भारतीय युवकों में साहस व संपन्नता का अभाव भी गरीबी का प्रमुख कारण है। तीसरा, राजनीतिक कारण। ब्रिटिश काल में भारत का उपयोग उसके हित के विरुद्ध किया गया। वर्तमान में भी राजनीतिक नेताओं की कार्यप्रणाली स्वयं के हित की है। राष्ट्रहित व समाज हित अब केवल कहने मात्र के लिए है। प्रशासनिक भ्रष्टाचार व अकुशलता बराबर बढ़ती जा रही है। आर्थिक शक्ति का केंद्रीयकरण भी गरीबी को बनाए रखने में योगदान दे रहा है। इस प्रकार इस व्याख्यान में हमने भारत में गरीबी के कारणों का हमने अध्ययन किया। आगामी व्याख्यान में हम अध्ययन करेंगे गरीबी हटाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। धन्यवाद।